हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप सब ठीक होंगे, घर में होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आज बहुत टाइम बाद ब्लॉग बना रही हूँ। बहुत दिनों से मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया है। अब तो देखिए, ये ब्लॉग मैं इसीलिए शूट कर रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी का आने वाला है बर्थडे, और आज हो गई है 2 फरवरी, और 4 फरवरी को मेरी बेटी का बर्थडे है, और ये वीडियो मैं 2 फरवरी को शूट कर रही हूँ। तो अब बेटी का बर्थडे है तो कुछ तो सेलिब्रेशन होगा ही, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी, मतलब जो भी सेलिब्रेशन हम करने वाले हैं वो मैं आप लोगों के साथ में शूट करूं, तो और आप लोगों के साथ में शेयर करूं। तो इसीलिए फिर मैंने आज मतलब अपना कैमरा उठा लिया और मैं सोचा चलो वीडियो बनाना थोड़ा सा स्टार्ट करती हूँ। मैंने देखी ये साड़ी पहनी हुई है, मतलब कि मैं रेडी हो गई हूँ। मैं जा रही हूँ अभी मार्केट, मुझे मार्केट से थोड़ा सा कुछ शॉपिंग करके आना है बेटी के लिए भी और वैसे भी, तो फिर बस मैं मार्केट जाएगी। तो वो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा मैं भी आप लोगों के साथ में शूट कर लेती हूँ। और ये देखिए मैं इस तरीके से वीडियो बना रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो बस मैं रेडी तो हो ही गई हूँ, मैं निकलने वाली हूँ। अभी दिन में बजे हुए हैं, 2 बज गए हैं, बस अब मैं निकलती हूँ मार्केट के लिए जल्दी जल्दी से। हस्बैंड जी वेट कर रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा तो शूट कर लेती हूँ फिर मैं निकल जाऊँगी। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, और देखिए बर्थडे सेलिब्रेशन के ब्लॉग देखना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ज़्यादा इंजॉय होने वाला है, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आप लोगों को। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को दबा दीजिए जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और इस ब्लॉग में जो जो कुछ होगा तो मुझे भी पता नहीं है क्या क्या होने वाला है, तो आप लोग बने रहिए और देखते रहिए। देखिए ये भी आ गई है, और बस इसी की तो बर्थडे की शॉपिंग के लिए मैं जा रही हूँ। देखिए कितना खुश है ये, और ये बच्चों का बर्थडे होता है तो बच्चे तो खुश होते ही हैं। और बहुत टाइम से वेट करिए कब मेरा बर्थडे आएगा, कब मेरा बर्थडे आएगा, तो बस सब आने ही वाला। तो गाइस देखिए मैं मार्केट से आ गई थी, मैं मार्केट गई हुई थी, शॉपिंग वगैरह करके आई हूँ। आई हुई तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन मैं जो भी अभी शॉपिंग करके आई हूँ ना, मैं अभी आप लोगों को कुछ भी नहीं दिखा सकती क्योंकि मैं जो भी सामान लेके आई थी ना तो मैं इनके साथ में ही गई हुई थी। तो फिर जब हम लौट कर आए तो ये शॉप पे चले गए थे, तो सामान भी इनके साथ चला गया और मैं घर आ गई थी। तो मेरे पास में अभी कुछ भी नहीं है आप लोगों को दिखाने के लिए, हाँ लेकिन मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या शॉपिंग करके आई हूँ बर्थडे के लिए। अभी तो मेरे पास सिर्फ उदीक्षा की ड्रेस है, इसमें है ड्रेस, तो ये ड्रेस रखी हुई है इसमें। आप लोगों को इसी में से दिखा देती हूँ, ये देखिए। और मैं आप लोगों को बस ये बता देती हूँ कि मैं क्या लेकर आई हूँ उसके लिए। मैं लेकर आई हूँ फ्रॉक, जो कि मैं उसे बर्थडे वाले दिन पहनाऊँगी, तब आप लोग देखिएगा और बर्थडे का ब्लॉग भी देखिएगा। बस अब क्या है, आने ही वाला है बर्थडे, तो और ब्लॉग भी जल्दी जल्दी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती रहूँगी, तो आप लोग देखिएगा। और देखिए वैसे तो ठंड कम भी हो गई थी, पता है आज तो ठंड भी हो गई है, अभी तो कम हो गई थी लेकिन आज शाम से तो बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, इसलिए मुझे तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। और आई फिर खाना वाना बनाया, तो फिर मार्केट जाओ ना तो थकान भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो बस मैंने सोचा चलो थोड़ा सा आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, यानी 3 फरवरी का। उस दिन हम जो भी मैं रिटर्न गिफ्ट लेकर आई थी उसे हम पैक कर रहे थे, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। तो ये देखिए लंच बॉक्स है, और ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा मतलब रिटर्न गिफ्ट है देने के लिए, जो कि उनके यूज़ में भी आ जाएगा। तो मैंने बस ऐसे ही यूजफुल ही रिटर्न गिफ्ट लेकर आई हूँ देने के लिए, तो मैं बस इसे पैकिंग वगैरह ही कर रही थी। तो देखिए मैं अकेले तो पैकिंग नहीं कर रही थी, मम्मी जी भी थी मेरे साथ में, बस हम दोनों ने मिल के ही पैकिंग की थी। तो बस इसी तरीके से हमने मिल के कर लिया था। और ये है उसी दिन का शाम का क्लिप जिस दिन हमने बनाए थे ये गुलाब जामुन खोए के। तो बस ऐसे ही मैंने, पापा जी ने, मम्मी जी ने, हम तीनों ने मिलके बनाए हुए थे गुलाब जामुन। अब ये पापा जी इस खोए को मिक्स कर रहे हैं, मतलब मैश कर रहे हैं। और तो देखिए खोए के गुलाब जामुन बनाना वैसे तो बहुत इजी होता है, लेकिन बहुत टफ भी होता है, क्योंकि अगर हम इसे अच्छे तरीके से नहीं बनाएंगे
तो फिर ये बहुत ज़्यादा टफ़ भी हो जाता है क्योंकि बनते नहीं है गुलाब जामुन, फिर अंदर से उसमें है ना गांठ आ जाती है तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। बस तो इसी तरीके से अच्छे से इसे मैश करना है और उसमें बेकिंग सोडा भी डालना है तो फिर अच्छे बन जाते हैं। देखिए अब हमने ये गुलाब जामुन ये गोल गोल कर लिए हैं और इसे हम तेल में फ्राई कर रहे हैं। और ये मैं बता दूँ आपको, खोए में हमने मैदा मिलाया हुआ था और बेकिंग सोडा और उसी से हमने इसे मैश किया था तो ये अच्छे बन गए। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी बजे हुए हैं रात के 11:30। तो मैंने सोचा चलो मैं ना आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ क्योंकि इसका कल बर्थडे है ना। तभी 11:30 बज गए और हम लोगों से बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा है कि कब 12 बजेंगे और कब हम इसको जल्दी से पिश करेंगे। तो मैंने सोचा चलो अभी हम लोग लेटे हुए थे तो मैंने सोचा आप थोड़ी सी वीडियो कैप्चर कर लेती हूँ क्योंकि मेमोरी के लिए हो जाती है, बहुत अच्छा लगता है। और बस 12 बजने में जो 12 बजे का टाइम है ना वो जल्दी से पार नहीं हो रहा है। तो बस हम लोग वेट कर रहे थे तो वीडियो शूट करने में थोड़ा सा टाइम निकल जाएगा, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा टाइम ऐसे ही निकाल लेते हैं, थोड़ी मस्ती कर लेते हैं। और सब लोग ना जो भी मतलब मेरी वीडियो देखे, मेरी बेटी को बहुत अच्छे अच्छे से विशेस दीजिएगा और बहुत सारा उसे प्यार दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। और देखिए हम लोग बस ऐसे ही मस्ती कर रहे हैं। और देखिए बर्थडे वाले ब्लॉग भी ज़रूर से देखिएगा आप लोग। तो देखिए अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर, बेल बटन दबाना मत भूलना, और वीडियो को शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।